हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए हम इंडियन एयरफोर्स से अग्निपथ यानी कि इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ वायु अग्निवीर स्कीम, तो वायु अग्निवीर से संबंधित है। ये आपकी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु सिलेक्शन टेस्ट 2024 का नोटिफिकेशन आया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये आपकी शॉर्ट डिटेल्स में है थोड़ा सा। चलिए तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, तो चलिए ये है आपका इम्पोर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन जो है वो आपके 8 जुलाई से स्टार्ट होंगे, 8/7/2024 यानी कि 8 जुलाई से स्टार्ट होंगे। और लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई होंगे, ये 28/7/2024 है। पे एग्ज़ाम फीस यानी कि फ़ीस जमा करने की आपकी 28/7/28 जुलाई है। एग्ज़ाम डेट की जो डेट दे रखी है वो है 18/10/2024 यानी कि सितंबर अक्टूबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए अब एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए फ़ीस जो रखी गई है वो ₹550 है। एससी और एसटी के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो भी 550 ही है। आप किस तरीके से फ़ीस जमा कर सकते हैं? पे एग्ज़ाम फ़ीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा आप फ़ीस जमा कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं आपका इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर नोटिफिकेशन। ये एग्ज़ाम एज लिमिट, एज लिमिट क्या रहेगी आपकी? तो एज लिमिट जो है वो आपकी है, मिनिमम एज जो है वो 17.5 ईयर्स है। मैक्सिमम एज आपकी 21 ईयर्स है, यानी कि 17.5 साल से 21 साल तक के फॉर्म आप भर सकते हैं। जो भी आपकी 17.5 से 21 साल तक के लोग भर सकते हैं। एज बिटवीन यानी किस तारीख पर जन्म होना चाहिए, तो 3/7/2024 से 3/1/2008 तक के बीच में जिनका भी जन्म हुआ होगा वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज एज पर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2000 रूल, ठीक है। इसके हाउ टू फिल अग्निवीर वायु एयरफोर्स, ठीक है, इनटेक। चलिए तो नंबर एक पर है आपका, इंडियन एयरफोर्स आर रिलीज्ड द नोटिफिकेशन फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 2/25, रिक्रूटमेंट 2024। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन बिटवीन 8/7/2024 टू 28/7/2024। चलिए अगला है आपका फ़ोटो इंस्ट्रक्शन। तो फ़ोटो जो है वो आपका 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इतने से ज़्यादा कम का फ़ोटो आपका नहीं लिया जाएगा। और फ़ोटो जो है वो आपका जून 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। चलिए और एक और इम्पोर्टेंट, ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ दिस चेस्ट विद हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, यानी कि फ़ोटो जब आप खींचेंगे तो आपके सामने एक ब्लैक स्लेट होनी चाहिए आपकी चेस्ट पर, जिस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए और डेट लिखी हुई होनी चाहिए फोटोग्राफ पे क्लियरली, वो भी कैपिटल लेटर में, चौक से, वाइट चौक इन कैपिटल लेटर। चलिए अगला है आपका, इसको आप पढ़ लेंगे रीड नोटिफिकेशन को, ठीक है। फिर इसके बाद काइंडली चेक कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ और बेसिक एड्रेस, ये सभी आप क्लियर कर देंगे। चलिए फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। चलिए बेनिफिट देख लेते हैं एक बार। इंडियन एयरफोर्स बेनिफिट ऑफ अग्निवीर अग्निपथ इनटेक 2022-2025, इंडियन यंग पीपल हुज एज इज बिटवीन 17.5 से 21 साल वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका। ये आपका LIC लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा आपको, ये 48 लाख का होगा ड्यूरिंग टू जिस टाइम आप जॉब कर रहे होंगे, इंगेजमेंट पीरियड एज अचीव अग्निवीर इन द इंडियन एयरफोर्स, यानी कि जब तक आप जॉब करेंगे तब तक आपका 48 लाख रुपए का एक LIC का बीमा होगा। चलिए अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, जब आप जॉब को छोड़ेंगे तो फिर आपको एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड के बाद में। लीव के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। 30 डेज सिक लीव मेडिकल एडवाइस बेस्ड, यानी कि 30 दिन की आपकी एक साल में लीव होगी। एवरी ईयर देयर विल बी सब काइंड ऑफ, और थोड़े से और बेनिफिट के बारे में जानते हैं। तो ये है आपका ईयर, मंथली पैकेज, इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी, और 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाएगा आपका। तो पहली साल आपको जो मिलेगी वो ₹30,000 मंथली पैकेज होगा, जिसका आपको
21,000 रुपये हाथ में आपको इनहैंड सैलरी मिलेगी और 9,000 रुपये आपके फंड में कट जाएंगे। क्लियर। चलिए सेकंड यानी कि दूसरी साल में जो आपको मिलेगा वो 33,000 रुपये सैलरी मंथली होगी आपकी, जिसमें से आपको हाथ में जो मिलेगी वो 23,100 रुपये मिलेगी, जिसमें से 9,900 रुपये आपके फंड में कट जाएंगे हर महीने। तीसरी साल में जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 36,500 रुपये सैलरी, जिसमें से आपके हैंड पे आएंगी 25,580 रुपये आपको मंथली मिलेगा, जिसमें से आपका 10,950 रुपये हर महीने डिडक्ट हो जाएगा फंड के लिए। चलिए अगला चलते हैं, आपका फोर्थ ईयर में आपका 40,000 रुपये सैलरी है, जिसमें से आपको इन हैंड 28,000 रुपये मंथली मिलेंगे और 12,000 रुपये फंड में कटेंगे। चलिए तो 4 साल के बाद आपका, जब आप 4 साल के बाद छोड़ेंगे तो आपको इंडियन फोर्स एयरफोर्स की तरफ से 11.71 यानी कि 11,71,000 रुपये आपको सेवा निधि का पैकेज मिलेगा और एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 25% विल बी एनरोल्ड इन देयर रेगुलर कैडर और 25% लोगों को रेगुलर के लिए वहाँ पर रोक लिया जाएगा, बाकी 75% को 4 साल के बाद वापस कर दिया जाएगा और ये टोटल जो कटेंगे वो आपके 5,02,000 रुपये कटेंगे, जो आपको लास्ट में 11,71,000 वापस कर दिए जाएंगे। तो ये जो अग्निवीर से संबंधित पूरी जानकारी थी, कैसे क्या करना है, क्या बेनिफिट होंगे, कैसे फॉर्म भरना है आपको, तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।